ये शहर क्यों चुप है, ये शहर क्यों चुप है, ना आस है ना जिंदगी, ना खुशनुमी ना रोशनी, ना आस है ना जिंदगी ना खुशनुमी ना रोशनी, अंधेरा क्यों हुप है, ये शहर क्यों चुप है, क्या बात है, हाथ बड़ी इज्जत हो रही है। अरे कभी बीवी के लिए भी टाइम निकाल लिया करो, मुझे अब देखो काम। तू ना दोनों तरफ मत चला कर, टाइम भी चाहिए और पैसा भी। चल ठीक है, जस्ट वन लास्ट राइड। चल ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, ठीक है बाय। लगता पी रखी है, सीटें गंदी करेगी यहाँ। वीर। यप। एक्सक्यूज मी मैम, आप पीछे बैठ जाओ। क्यों, तुम्हारे बराबर नहीं बैठ सकती क्या? 8609। जी 8609 सिविल लाइन यहाँ से। अरे क्या मैडम, मेट्रो पकड़ लेते। सिविल लाइन जाना है जेल, लॉ जानते हो ना, अकेली लड़कियों मना नहीं कर सकते। सही है, अकेली लड़की दारू पी सकती है। अकेले नहीं पी, दोस्त थे साथ में। आपको सुन गया। थोड़ा फास्ट चला सकते हो? जी नहीं, लॉ जानता हूँ। कुछ सुना तुम्हें? हाँ, आई एम सॉरी, हेडफोन। तो तुम मेरी बात सुन भी नहीं रहे? कर्टसी का पहला रूल होता है अटेंशन। आई नो माई जॉब मैडम। यू नो हाँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम गाना सुन रहे हो? जॉब के बेसिक एथिक्स भी नहीं पता तुम्हें। प्रोफेशनल कैबी हो या प्लस टू का वो लौंडा जो बाहर जा नहीं सका और घर पे रह नहीं पाया? एक्सक्यूज मी, प्रोफाइल पढ़ी आपने मेरी? इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग? यस, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड हैकर हूँ और यूट्यूब ट्रैवल ब्लॉगर भी। और चला कैब रहे हो? स्लो क्लैप्स फॉर यू मिस्टर वीर। मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी। होगी, होती है सबकी। पहले लगा रेगुलर वीक नाइट वाली शराबी है, बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ होगा और एटीट्यूड में आके कैप मंगवा ली। फिर लगा एरोगेंट है और इस बात से लगा कि परेशान है, तो मैंने बात करने की कोशिश की। गर्मी होगी काफी है ना?
एसी चला लो। ओ, आप ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, क्यों? नहीं ऐसे ही लगा मुझे तो पूछा, ठीक हो ना आप? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, पैन कार्ड होल्डर हूँ, टैक्स भरती हूँ, मैं ठीक हूँ। और कितने ठीक चाहिए तुम्हें? तो और क्या करते हो वीर? स्मोक करता हूँ। ए व्हाट्स दिस? मैंने शराब पी रखी है इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी सिगरेट पियोगे। हाँ जी मैं तो फैमिलियर हो रहा था जी, लंबा सफर आया तो सोचा कि फैमिलियर हो रहे थे। ओ ब्रेकिंग द रूल्स, द लॉजिकल थिंकर, कैपिटलिज्म की दीवार को ढाता हुआ रेवल विद अ कॉज। हद है, अकेली लड़की है, नशे में है, कुछ गलत ना हो जाए तो लॉन्ग रूट का राइड पकड़ा मैंने, और आप है कि ढंग से बात ही नहीं कर रही। कैब ड्राइवर हूं तो क्या इज्जत नहीं है? हम भी नेगेटिव रैंकिंग कर सकते हैं मैडम, पता है ना? मैं तो बस फैमिलियर हो रही थी। चले मैंने अपना गुस्सा ठंडा किया, उसके बाद घड़ी की तरफ देखा और चल पड़ा। तुम मुझे जानते नहीं, मैं भी कब की गायब हो चुकी होती, पर तुम अच्छे इंसान लगे। रेडियो खराब है क्या? नहीं नहीं है ना, तो लगवाया नहीं, लेकिन गाड़ी अच्छी है। याददाश्त अच्छी है तुम्हारी? जी बहुत अच्छी है। मेरी तो बहुत खराब है, और दो ड्रिंक्स के बाद तो और भी। अरे कई लोगों के साथ होता मैडम ऐसा, मेरी भी। मैं इसे बताने लगा था कि मेरी बीवी भी बीयर पीती है। बीयर पर कंसंट्रेट मत कर, बीवी पे कर। मैं बताने लगा था कि मेरी बीवी है। तुम्हारी भी क्या? अब मेरी भी आदत थी, पहले बहुत पीता था पर अब नहीं। तो सुनो याद रखना, मैं भूल जाऊंगी। मैं संजू और वंदना बाहर से निकले थे, वंदना अपना फोन भूल गई थी और संजू की गाड़ी खराब थी, ठीक है? कुछ सुनाऊं? प्लीज। अजी मुझे गाने सुनने का शौक नहीं है। कहानियां इंटरेस्टिंग होती हैं। पता है एक अच्छी कहानी की पहचान क्या होती है? उसमें तीन चीजें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने काफी ड्रिंक किया है ना? थ्री डीज आर इंपॉर्टेंट व्हेन यू ड्रिंक, डाइल्यूट, डिले एंड डाइट। फौजी की बेटी हूँ इतना तो समझती हूँ। तुम समझते हो कहानियां क्या है वो तीन चीजें? अजी देखते हैं फिल्में, यही ड्रामा, थ्रिल, रोमांस। फिल्में कम देखा करो, अच्छी कहानियां समझना शुरू कर दोगे। वो यही चलता जी आजकल तो, नहीं तो आप बता दो। थ्री सीज, फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कनेक्शन एंड थर्ड क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स समझते हो? क्लाइमेक्स माने तो एंड, खत्म? नहीं, क्लाइमेक्स मतलब सेक्स किया कभी? मेरी आंखें कानों से ज्यादा खुल गई, ये क्या पूछ लिया इसने? देख लियो गाड़ी के साथ ही पहुंची हो घर जिंदा। हा? क्या यार, हर किसी की बीवी की टाइमिंग सेम होती है क्या? कितनी मासूमियत के साथ कितनी गंदी बात पूछ ली थी इसने, पर फोन तो बीवी का था, उठाना पड़ेगा। हेलो, हाँ अभी टाइम लगेगा, तुम खा लो और सो जाओ, देर हो जाएगी, बाय।
कोई प्रॉब्लम है क्या? अजी नहीं, बीवी है, शी इज एक्सपेक्टिंग। फिर तो क्या ही होगा, तो क्लाइमेक्स होता ना, कहानी में भी होता है, अगर वो नहीं होता तो कुछ नहीं होता। अरे आप वो कहानी की बात कर रहे थे ना। ठीक है, तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, पर हाँ मुझे उसमें इमेजिन मत करना। सबसे पहले आता है कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जो सबको बांधे है, द सेंटर पॉइंट। कौन? एक लड़की, तीन भाइयों की एक बहन, लड़कों में पली, सिर्फ कपड़े लड़कों वाले नहीं थे, काफी लड़कों वाले थे। फिर आता है इस कैरेक्टर का कनेक्शन। क्या हुआ? अजी टायर गया लगता है। अजी पहली बार हुई है जी पंचर जब से लिया है। सिगरेट है? हाँ जी, सस्ते वाली है लेकिन अच्छी है, मैं तो यही पीता हूँ जी। तो मैडम जी कहानी में आगे क्या हुआ? कनेक्शन, वंदना ने एक दिन उसे एक लड़के से मिलवाया बार पर। जी अब सारा सीन क्लियर था, बंदी को बंदा मिला बार पर, और बार पर ही अकेला छोड़ दिया। जिसके साथ पीती थी अब उसके बिना पीती है। सुन रहे हो ना? जी मैडम। बताओ मैं कहाँ थी? आप बार पर थी। बार पर। तू आया है सामने, दिल धड़का है जोर से, नजरें भी शर्मा गई, देखा जब गौर से। तुम हर बार मुझे इसी बार में क्यों लेकर आते हो? क्योंकि हम यहीं मिले थे पहली बार। तो एक ही बार पे लेके आना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। हर बार तुम्हें देखना और प्यार हो जाना जरूरी है, जरूरी है। तुम्हें देखकर कहीं गुम हो जाना जरूरी है, जरूरी है। इन आंखों में मोहब्बत को पाना जरूरी है, क्योंकि तुम मेरी जरूरत हो। कहाँ से सीखी है शायरी? सीखी थोड़ी जाती है, मोहब्बत हो जाती है। नशे में हो? इश्क में। तू आया है सामने, दिल धड़का है जोर से, नजरें भी शर्मा गई, देखा जब गौर से। पापा को पता लगेगा ना, सारा इश्क वाला भूत उतार देंगे, कर्नल है। अरे जब इश्क के मैदान में कूद ही चुके हैं तो फिर घबराना क्या। सीधा जाऊंगा उनके पास और बोल दूंगा कि आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, शादी की परमिशन दे दो वरना उठा कर ले जाऊंगा। पक्का है हिम्मत? अरे तुम आर्मी वाले की बेटी हो तो क्या हुआ, अरे हम भी इश्क के सिपाही हैं, पेट दिखा कर नहीं भागूंगा। माफ कीजिएगा मैडम, आपका जो ये करैक्टर है ना, बड़े करैक्टरलेस है। क्यों? देखिए ना, शराब पीता है,
सिगरेट पीता है, बार पर बैठा है। तो कैरेक्टरलेस कैसे हुआ? लड़के भी तो ये सब करते हैं। नहीं, लड़कों की बात और है, लड़कियों को थोड़ा संभलना चाहिए। अब सॉरी टू से मैडम, आप भी अपने ये जो कपड़े वपड़े हैं ना, देखकर पहना करें। मेरा लिबास बदलने से पहले अपनी सोच बदलो। लेट हो रहे मैम, चलें, आइए। हाँ हेलो, अरे टायर पंक्चर हो गया था। अरे अभी जहाँ पे हूँ, अगर अभी गाड़ी घुमा लूँ तब भी 3 घंटे लग जाएंगे। तो क्या जॉब छोड़ दूँ? छोड़ यार। ये कौन सा रास्ता है? नया है मैडम, आप कभी इस रास्ते से पहले नहीं आए। कितना टाइम और? एक घंटा और। हाँ कमाल है, 1 घंटा पहले भी 1 घंटा ही बता रहा था। कनेक्शन नहीं है ना। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपका करैक्टर है, दारू सिगरेट पीता है, ठीक है पीता है, अब इसका कनेक्शन हुआ इस लड़के के साथ और गहरा होता गया। ए, तुम सुन भी रही हो नहीं? मैंने कब कहा कि कनेक्शन हुआ और गहरा होता चला गया? उसके साथ नहीं हुआ, फिर किसके साथ था कनेक्शन? उसके डैड के साथ। माँ थी नहीं, बाप सिर्फ बाप नहीं, पूरा परिवार था। उस लड़के के साथ रोड ट्रिप पे जा रही थी, गलत बात नहीं थी, पहले भी गई है कई बार, पर इस बार पहली बार पूछ कर नहीं बल्कि बिना बताए जा रही थी। अब यहाँ से राइट ले ले मैम, शॉर्टकट पड़ेगा। ये कब बना? अब रास्ता थोड़ा खराब है लेकिन टाइम बचेगा, आप बोलो। वो छोड़ते वक्त मिला लड़की के डैड को, उसके डैड का उससे बहुत प्यार था तो वो ज्यादा गुस्सा नहीं रह सके उसके साथ। पापा मैं जब तेरे पास थी तुझको मैं सबसे खास थी, वो पांव पे चलना तेरे, वो आंख बंद लगना गले। वो घुटनों पे आना, वो चुपके डराना, वो काजल की डिबिया जो पहली थी बिंदिया, वो कंधों का झूला, वो बाहों की निंदिया। पापा मैं तेरी आस थी, पापा मैं जब तेरे पास थी तुझको मैं सबसे खास थी। उसे अपने डैड की बात मान लेनी चाहिए थी। एक माँ सिर्फ अपनी बेटी की नजरों को पहचानती है, पर एक बाप सारी दुनिया की नजर को पहचानता है। फिर वो लड़के का क्या हुआ? वो उसके साथ शिफ्ट हो गई लिव इन में। ये आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, स्टोरी तो ठीक ठाक है, ये करैक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या नाम है जी इसका? सोचा नहीं। कहानी सोच ली, करैक्टर का नाम नहीं सोचा? नाम कुछ भी हो सकता है, नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, कहानी इम्पोर्टेंट होती है। वैसे आपका नाम क्या है?
तुमने पढ़ा नहीं? नहीं पढ़ा तो है लेकिन समझ नहीं आया। दहानी या धानी? दहानी ये भी कोई नाम होता है, धानी ही है। ओह अब इसका मतलब? सुर है सारे गामा पा धानी धानी। ओ, आपके पिताजी संगीत से प्यार करते थे? नहीं वो मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे। जिससे हम प्यार करते हैं उससे जुड़ी हर चीज से प्यार करते हैं। वैसे अब कहाँ हैं आपके पिताजी? आज से 5 साल पहले वो I'm so sorry, एक्चुअली मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। चलिए छोड़िए आप अपनी कहानी सुनाइए। फिर वो लड़की लड़के के साथ शिफ्ट होगी एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। नहीं फिर लड़की को लड़के के साथ 1 साल से ज्यादा हो गया था। वो ऐसे दोस्त थे जो हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे। लड़की के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए लड़के ने उसको और उसके दोस्तों को पार्टी दी अशोका बार पे। सब कूल चल रहा था। वंदना घर जाने वाली थी कि लीजिए मैडम। क्या हुआ? आपका घर आ गया। तुम्हें सब याद है ना? अरे एकदम। एक करेक्टर है, स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, हाँ उसका कनेक्शन है अलग अलग। बस अब क्लाइमैक्स बाकी है। अरे ओ मैडम तेरी तो लग ही रहा था मुझे। अरे सुनो मैडम। अरे यार अरे पेमेंट तो कर दो मेरी। हेलो मैडम। ओ हेलो। अरे यार कहाँ गई? अरे यार क्या है इतना बड़ा घर है और पैसे के मामले में ये बड़े लोग भी नहीं। ओ हेलो मैडम। अरे यार कोई सुन रहा है? हेलो कोई है? अरे नमस्ते। ऐसे थोड़ी होता सर। कहां तक लाया और अब? मैम कहां गई? मैम मैम कहां गई? अरे यही तो है वो। आईटी सेक्टर से लेके आ रहा हूं सर। मेरे पैसे नहीं दिए और भाग गई। व्हाट वाज शी हियर? अरे अभी अंदर आई है वो। पर दरवाजा तो अभी मैंने खोला है। आई वॉज वेटिंग फॉर हर। इंतजार कर रहा हूं मैं उसका। तो आपने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया? मैं उसका 5 साल से इंतजार कर रहा हूं। 5 साल पहले बात हुई थी। आ रही हूं मैं। बर्थडे मनाएंगे पर वो कभी नहीं आई। जिससे मैं बात कर रहा था वो थी ही नहीं। तीन भाइयों की एक बहन। लड़कों में पले पले सिर्फ कपड़े लड़कों वाले नहीं थे, काम भी लड़कों वाले। मेरी सांसें फूल चुकी थी। कलेजा मुंह को आ रहा था। कहानी थी, करेक्टर था, उसका कनेक्शन था, पर क्लाइमैक्स अभी बाकी था। और क्लाइमैक्स से पहले ही मेरी फट के मेरे हाथ में आ चुकी थी। तू मुझे जानते नहीं, मैं भी कब की गायब हो चुकी होती, पर तुम अच्छे इंसान लगते। सिगरेट है? जी सस्ते वाली है लेकिन अच्छी है। ओके, जो 5 साल में किसी को नहीं मिली वो तुम्हें मिली थी? पानी मिलेगा? ड्रिंक लोगे? यू लुक मोर वरीड देन मी। बहुत याद करता हूं मैं उसे। उसका बाप बोलता जा रहा था, मैं सुन रहा था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं सुन्न हो चुका था। कहां होगी, कैसी होगी? होते हैं भाई। वो
वो ऐसा ही करती थी। झगड़ा हुआ था हमारा, इंतजार कर रहा हूं शायद आ जाए, सेलिब्रेट करेंगे। आर यू ओके? जी हाँ। आप अकेले रहते हो यहाँ? अनफॉर्चुनेटली जो सबका रहा उसका कोई ना रहा। आई हैव सीन मोर फ्यूनरल्स इन द फैमिली देन वेडिंग्स। जी अगर आप अकेले रहते हैं तो ये वाइन के दो ग्लास क्यों? आई टोल्ड यू आज उसका बर्थडे है, शायद वो आ जाए, सेलिब्रेट करेंगे। वो मेरे साथ बैठ के ड्रिंक बहुत इंजॉय करती थी। अब पता चला कि लड़की को दारू की लत कहां से लगी। ये वो बाप है जो कहते हैं ना, दो पैग मेरे साथ मार लियो लेकिन बाहर से मत पी कर आई हूं। कभी याद करती होगी, ठीक होगी, कुछ कहती थी, कुछ बताया था? जी सुनाया था। क्या? एक गीत। अब उसने आपको एक गीत सुनाया था जब वो रोड ट्रिप पर भागी थी। हाँ बट हाउ डू यू नो? मुझे भी सुनाया उसने। हाँ मैंने रिकॉर्ड भी किया। वेट, तुझको मैं सबसे खास थी, वो पांव थे थम से गए, वो होंठ थे थक से गए, वो रात थी गहरी, वो सिसकी थी ठहरी, वो बिखरा सा लहू, वो छींटे थे हर सू। ओ पापा सुनो ना, सुनना ये तो नहीं गाया था। जान नहीं पा रहा हूं मैं, क्या कह रही है वो? जान से प्यारी थी वो मुझे, कहा था मत जा, मर जाऊंगा मैं, लेकिन जिसके साथ गई उसकी नजर पहचान गया था मैं। ये भी बताया था उसने। क्या और क्या बताया? और वो सब टुकड़ों में था ये या। जी वो आप लिखते हैं? मैं पढ़ता हूं, किताबें, हालात, चेहरे, और तुम चेहरे से परेशान लगते हो। जी मैं चलता हूं। जी मैं उसके बाद उसको कभी देख नहीं पाया। उसके दोस्तों से मैंने पूछताछ की थी बट नो यूज। लास्ट टाइम अशोका बार में छोड़ा था उसके दोस्तों ने। ये क्या नाम बताया आपने? दोस्त थे उसके? नहीं वो बार का नाम अशोका बार। यही तो बताया था उसने, यही तो गई थी वो मीटिंग एनिवर्सरी। क्या हुआ था वहां पर? जी वो अभी बता ही रही थी तो घर आ गया, फिर वो निकल गई। काफी कुछ सुनाया लेकिन बहुत कुछ सुना भी नहीं। एक मिनट। क्या उसने कहा था? तो सुनो, याद रखना, मैं भूल जाऊंगी। मैं संजू और वंदना बाहर से निकले थे, वंदना अपना फोन भूल गई थी और संजू की गाड़ी खराब थी, ठीक है? हाँ यही कहा था, मैं संजू और वंदना एक साथ बाहर से निकले। क्या? हाँ यही बोला था और कहा था याद रखना। वो एक साथ बाहर निकले थे? लेकिन वंदना तो बता रही थी कि वो पहले आ गई थी। पर मुझे तो यही बोला था। तो चलें बेटा। जी कहाँ? वंदना के घर। उधर मेरी बीवी कई घंटों से मेरा इंतजार कर रही थी और इधर एक बाप अपनी बेटी के इंतजार में रोज तड़प रहा था। उस दिन एकदम से पता चला कि क्या होता है इंपॉर्टेंट करेक्टर। वंदना के करेक्टर ने जो कहानी पहले सुनाई थी वो झूठी थी। उस करेक्टर का कनेक्शन आज जुड़ा और अब बारी थी क्लाइमैक्स की। आ जाऊंगी ना पापा।
पहली बार लेट थोड़ी ना हो रही हूँ। डोंट वरी, बच्ची नहीं हूँ अब मैं। ओके ओके, डिनर साथ में करेंगे, आई प्रॉमिस। ओके बाय। चीयर्स, एंजॉय यार। वाव बेब्स, लकी यू, कितनी बड़ी पार्टी दी है संजू ने, अब शादी भी कर लो। डाउट तो हो रहा है मुझे, कुछ ना कुछ बड़ा सरप्राइज तो देगा आज मुझे। अरे आंखें देखो अपनी, जब भी संजू के बारे में सोचती हूँ तो तुम्हारी आंखों में प्यार उतर आता है। हाय वंदना, एंजॉय कर रही हो पार्टी पूरा? थैंक यू सो मच संजू। अरे यार पैसे तुम ही ने तो दिए हैं, प्लान तो तुमने किया ना। इट्स ओके, बैठो ना। संजू, अरे रंजीत, लेट लेट लेट, हमेशा लेट आता है तू। अबे आ तो जाता हूँ ना। वंदना, धनी, मीट रंजीत, पाठी जी का बेटा है और अगले इलेक्शन में भी खड़ा है मेरा भाई। बस सपोर्ट चाहिए भाई की, और भाभी जी आपकी भी। अरे फुल सपोर्ट है मेरे भाई। हाँ वो तो है। चलो आप लोग कंपनी एंजॉय करो, हम लोग ड्रिंक्स एंजॉय करके आते हैं। ओके। चलो धानी। या बैठ। तेरी बस कर्म है साले, तेरे सारे कर्म कांड जानता हूँ साला। कर्म त्रिपाठी का लड़का, जानती है तो इसको? नहीं तो? घटिया इंसान है, बाप पे गया है, रईस है, अयाश है, बदतमीज है। संजू इसके साथ क्या कर रहा है यार? ये संजू भी ना, कितनी बार समझाया मैंने इसको बट भोला है ना बेचारा। अबे तू भी बहुत कमीना है, मैं भी सोच रहा था तेरे पास गाड़ी वाड़ी कहां से आ गई, अब तक बाइक के पेट्रोल के पैसे तो मुझसे लेता था। अच्छी असामी फसाई है। मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, तुझे ये नहीं पता मेरे लिए क्या क्या करती है। कर लेते हैं पता, डेट ड्रग। अबे नीचे रख, मरवाएगा क्या? देख समझाना संजू को। प्यार से समझाऊंगी ना तो समझ जाएगा। बहुत प्यार करता है मुझे वो। इसे लगता है कि प्यार करता हूँ पर मैं इसे यूज करता हूँ, और कभी कभी इस यूज में। अभी कोई बात मत करना, जो भी मैंने बताया बिल्कुल शो मत होने देना। साफ शोर है कि तेरा ध्यान किधर है। अबे ध्यान हटा ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ तेरा माल भी पड़ा फार्म हाउस पे। क्या बात कर रहा है? इंजॉय करेंगे। अरे ये क्या कर रहा है यार? अबे सुबह तक उसे पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। एक गोली यूज करो फिर जितना मर्जी यूज करो। पर यार मेरी तो कार भी खराब है, खुद कैब से है। अबे गाड़ियों की लाइन लगा दूंगा, तेरा भाई बहुत अमीर है और बहुत भी। चल यार कमाल कमाल। अबे चुप कर साले, सुन लेगी वो। चलो गाइस तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। बाय बे। या थोड़ा ध्यान से। हाँ या बाय बाय, टेक केयर। आज बहुत खुश हूँ यार पे, चलो बॉटम्स अप करते हैं। नो, मैंने ऑलरेडी ना बहुत पी ली है। अरे प्लीज लो ना, एक दोस्त है मेरा यार। और ये मैं ले लेता। चीयर्स। चीयर्स। वाह भाभी क्या बात है। तो गर्लफ्रेंड किसकी है? मुझे ना वॉशरूम जाना है। क्या हुआ? आर यू फाइन? मैं कुछ ठीक फील नहीं कर रही, चले। अब बस रंजीत के फार्म हाउस पे थोड़ा सा काम है फिर निकलते हैं, और वैसे भी
तुम्हारा बर्थडे है, यादगार होना चाहिए। क्या हुआ? Any problem? ओ, मैं अपना फोन भूल गई। आह, ये रहा। धानी, are you okay? धानी? कुछ नहीं, थोड़ी सी ज्यादा पी लिए बस, निकल रहे हम। धानी? इतना तो पता था कि कुछ गलत हुआ है, पर क्या ये नहीं पता था धानी के गायब होने की खबर किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं थी, पर त्रिपाठी के लड़के रंजीत के रोड एक्सीडेंट की खबर हेडलाइन बनी। रईस था, बदतमीज था और गुनहगार भी। अगले दिन संजू का कॉल आया। मुझसे गलती हो गई वंदना। गलती नहीं, गुनाह हुआ है मुझसे, पर मैं ऐसा नहीं चाहता था, पर फिर भी हो गया। उस रात पागल हो गया था मैं, नशे में पागल, कुछ सोच नहीं रहा था। रंजीत के फावा उस पे गट्ठा करके वो मर तो गई है, पर वो गई नहीं, वो मुझे कहीं जाने नहीं देती। मैं सो नहीं पाता, कभी भी आ जाती है। कौन आ जाती है? धानी आ गई। संजू, क्या हुआ?
चाहिदा नहीं तारी तारी प्लीज कर दो मुझे नहीं तारी तारी प्लीज छोड़ दो मुझे मैं मरना नहीं चाहता तारी वो मुझे लगा जिन लोगों ने गलत किया अब वो भी नहीं रहे तो सम सॉर्ट ऑफ जस्टिस इज डन जस्टिस माय फुट किसी एक के मर जाने से किसी दूसरे का मर्डर जस्टिफाई नहीं हो जाता एक बाप अपनी बेटी का इंतजार करता है हर रोज खाना लगाकर खाना हल्क से नीचे उतरता भी है तेरे उस एक दिन ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी मैं बाप बनने वाला था पर एक ऐसे बाप के साथ खड़ा था जो अपना सब कुछ गवा बैठा खोने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था पर एक परिवार तो था जो मेरे पास खड़े शख्स के पास नहीं था उसकी हालत उस राजा की तरह थी जो जंग तो जीत गया हो पर अपना आप हार चुका हो वो आंखें मुझे कभी नहीं भूलेंगी उन आंखों में इतना इंतजार था आंसुओं के लिए जगह ही नहीं बची थी परिवार किसी भी परिवार में एक औरत अपने पति से इतना प्यार नहीं करती जितना एक बाप अपनी बेटी से करता है वो चिल्लाना चाहता था पर चुप था वो रोना चाहता था पर खामोश खड़ा रहा ये एक बाप का दिल था
तुझको मैं सबसे खास थी, वो पांव पे चलना तेरे, वो आंख बंद लगना गले। वो घुटनों पे आना, वो चुपके डराना, वो काजल की डिबिया जो पहली थी बिंदिया, वो कंधों का झूला, वो बाहों की निंदिया। पापा मैं तेरी आस थी, खास थी।